आज की दुनिया में धन वैभव के बिना सुख की कामना करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लाख प्रयास के बावजूद भी हम देखते हैं कि सफलता हाथ नहीं लग रही। ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी जी रूठ सी गई हों। खुद की मेहनत और लगन से बढ़कर कोई और टोटका नहीं। फिर भी किस्मत जब साथ ना दे रही हो तो कुछ टोटके आजमाने में कोई हर्ज नहीं। सदियों से हमारी संस्कृति में छोटे छोटे उपाय, जिन्हें हम टोटका भी कहते हैं, से लाखों लोगों ने लाभ लिया है। आप भी इनको आजमा सकते हैं। फायदा हो न हो कोई नुकसान नहीं होगा। बेकार की तार्किकता में पढ़कर निराश होने से अच्छा है दो छोटे टोटके आजमा लें, शायद लाभ हो जाए। तो आइए कुछ जांचे परखे कारगर और सिद्ध टोटके देखते हैं। शीघ्र धनवान बनने के। खोलने अपनी किस्मत का ताला। बस किस्मत के ताला खुलने की देर है, उसके बाद धन वैभव आपके कदम चूमेंगे। लाल किताब का एक सिद्ध टोटका है, खोले किस्मत का ताला। इस टोटके में आपको करना बस इतना है कि किसी दुकान पर एक ताला खरीद लें, ना उस ताले को खुद खोलें ना दुकानदार को खोलने दें। इस बंद ताले को घर लेकर आएं, शुक्रवार की रात को अपने सिरहाने पे यह ताला रखकर सोएं। मंगल कामनाओं के साथ शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में दर्शन हेतु जाएं। दर्शन के बाद ये बंद हुए ताले को चाबी समेत मंदिर में ही छोड़ाएं। जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति इस ताले को उसकी चाबी से खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। कारगर टोटका है, आजमाकर जरूर देखें। उपहार का टोटका। काम या व्यवसाय से वापस आते वक्त खाली हाथ घर ना आए। कोई छोटा मोटा फल फूल, खिलौना इत्यादि जरूर साथ में ले आए। घर के बड़े बुजुर्गों या बच्चों के लिए बिना बताए लाए हुए उपहार से उन्हें काफी खुशी मिलती है। ऐसा करने से घर में खुशियां बनी रहती हैं और लक्ष्मी माँ भी प्रसन्न होती है। राई का टोटका। यह आजमाया हुआ अकाट्य टोटका है। दिवाली की रात में 12 बजे अपने दाहिने हाथ में काली राई लेकर घर की छत के 3 उल्टे चक्कर लगाएं, फिर 10 दिशाओं में हाथ की राई के दाने ओम ह्रीं ऋण मोचनाय स्वाहा ऐसा मंत्र का जाप करते हुए फेंकते जाएं। इस टोटके को करने से ऋण उतरने के प्रबल योग बनते हैं और धन हानि बंद होती है। इस टोटके को किसी भी अमावस्या में किया जा सकता है, लेकिन दिवाली की रात में इसे करने से शीघ्र ही लाभ मिलेगा। काली मिर्च का टोटका। काली मिर्च के 5 दाने लें और अपने सिर पर 7 बार वार लें, फिर किसी चौराहे या सुनसान स्थान पर खड़े होकर 4 दानों को 4 दिशाओं में फेंक दें और 5वें दाने को आसमान की ओर फेंक दें। ऐसा करने के बाद उस जगह से लौट आए और पीछे पलटकर ना देखें। इस उपाय को करने से धन हानि रुकती है, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। उपाय करते समय पूर्ण श्रद्धा और गोपनीयता बनाए रखें, तभी लाभ होगा। ऋण मुक्ति का सरल टोटका। शुक्रवार की रात 11 बजे के बाद लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो सामने रखकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। आंखें बंद करके लक्ष्मी जी का ध्यान और आह्वान करें। ऐसी कल्पना करें कि लक्ष्मी जी श्वेत वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कमलासन पर विराजमान है। अब आप कल्पना करें कि आप उन्हें कमल पुष्प का अर्पण कर रहे हैं। अपने मन में ही 108 कमल पुष्प का अर्पण करें। यह उपाय 11 बार करने मात्र से ही सभी ऋण से शीघ्र मुक्ति मिल सकती है। इलायची का टोटका। सबको मालूम है कि लक्ष्मी जी को इलायची बहुत ही प्रिय है। रोज लक्ष्मी जी को 5 इलायची का भोग लगाएं और अपने पर्स में 5 इलायची जरूर रखें, अवश्य लाभ होगा। गौ माता को भोग का टोटका। बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिलाएं।
बृहस्पतिवार को गीली चने की दाल को आटे में मिलाकर उसके दो पेड़े गौ माता को खिलाएं। शुक्रवार के दिन सफेद चावल में मीठा जैसे गुड़ डालकर गौ माता को खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। गौ माता का हमेशा सम्मान करें। बांसुरी का टोटका। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में सोने या चांदी की बांसुरी रखी रहती है उस घर में लक्ष्मी जी का सदा वास रहता है। ऐसा करने से घर में मौजूद वास्तु दोष भी दूर होता है। अगर सोने और चांदी की बनी बांसुरी रखना संभव नहीं हो बांस से बनी बांसुरी भी रख सकते हैं, अवश्य लाभ होगा। तिजोरी में शीशा। जिस स्थान पर आप धन आभूषण रखते हो जैसे कि तिजोरी या गल्ला, उसमें एक शीशा लगवा दें। ऐसा करने से धन धान में वृद्धि होती है। याचक को जरूर कुछ दें। घर आए अतिथि या याचक का अपमान करने वालों से लक्ष्मी जी सदा दूर रहती हैं। घर आए हुए अतिथि याचक को देखकर कभी भी मुंह ना बनाएं, कभी भी खाली हाथ ना जाने दें, उन्हें कुछ न कुछ अवश्य दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पर्स और आभूषण के लिए जरूरी नियम। कभी भी रात को सोते समय अपने सर के नीचे पर्स या आभूषण रखकर ना सोएं। ऐसा करने से खर्च में वृद्धि होती है। रात में झाड़ू। रात में घर में किसी भी तरह की सफाई जैसे झाड़ू पोछा जाले साफ करना आदि ना करें। लेकिन घर की रसोई में रखे जूठे बर्तन, खाना बनाने का स्थान, गैस इत्यादि को अच्छी तरह साफ करें। ऐसा करने से घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आएगा। परहेज। घर के मालिक या मालकिन को चाहिए कि यथासंभव रात के समय चावल, सत्तू, दही, दूध, मूली आदि सफेद चीजों का सेवन ना करें। इस परहेज को जीवन भर यथासंभव तरीके से पालन करें। बच्चों और बुजुर्गों के लिए कोई परहेज नहीं है।